अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एस ब्लॉक के अब सेकंड ग्रुप में, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु। ओके, तो देखो बच्चों, जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन्हीं को क्या बोला गया है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। वैसे एक्सेप्शन है बेरिलियम, बेरिलियम को एल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते, बट वो है इसी ग्रुप का मेंबर। रीजन क्या है कि इनको ये नेम क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्साइड एल्केलाइन नेचर के होते हैं, और जो अर्थ के समान मींस SiO2 रेत या मिट्टी के समान इनफ्यूजेबल है, और कहां मिलते हैं, एग्जिस्टेड इन अर्थ। समझ गए ना कि सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम। एक क्वेश्चन होता है कि किस एलिमेंट को हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स नहीं कह सकते, तो वो है बेरिलियम। अब आता है कि इसका नेम ये क्यों पड़ा, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स आर एल्केलाइन एंड इनफ्यूजेबल लाइक अर्थ SiO2 एंड एग्जिस्टेड इन अर्थ। समझ गए बच्चों कि जो एल्केलाइन अर्थ मेटल है ये इनफ्यूजेबल है, कैसे, जैसे मिट्टी के जैसे, मतलब मिट्टी को कितना भी हीटेड कर लें वो ऐसे नहीं कि डिकम्पोज हो जाए। और ये जो ऑक्साइड्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बोनेट के फॉर्म में किसमें, अर्थ में मिलते हैं। तो समझ गए बच्चों की सेकेंड ए वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातु में कहलाते हैं, बेरिलियम को छोड़ दें, उसका नेम नहीं होता ये, क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, मृदा के समान दुर्गल नहीं और मृदा में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय और मृदा के समान, ठीक है, दुर्गंधी ऑक्साइड वाले तत्वों के जो ऑक्साइड है उनकी धातुओं को ही क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। अब हम इनके बारे में देखें कि बेरिलियम जो है लेस रिएक्टिव है, ओके, Ra जो है रेडियो एक्टिव होता है, उसके जितने भी आइसोटोप्स हैं सब रेडियो एक्टिव है, ओके, कि Ra लेस रिएक्टिव रेडियो और Ra रेडियो एक्टिव एंड इट्स आइसोटोप्स आर आल्सो रेडियो एक्टिव, और इसका लॉन्गेस्ट लिव विदन, ठीक है, लाइट आइसोटोप है वो है रेडियम 226, जिसका हाफ लाइफ है 1600 ईयर्स। समझ गए बच्चों कि बेरिलियम सबसे कम क्रियाशील है, रेडियम जो है रेडियोधर्मी है, रेडियम से रेडियोधर्मी, और इसके सभी समस्थानिक रेडियोधर्मी है, रेडियम Ra रेडियम है। इसका सबसे लंबे जीवन काल वाला जो समस्थानिक है वो ये है रेडियम 226, जिसका हाफ लाइफ है 1600 वर्ष। ओके, तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबके आउटर मोस्ट शेल में आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे NS2। आपने एल्कली मेटल्स पढ़े हैं, उनमें एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा कर दोगे, S1 था यहाँ, S2 बाकी सेम कॉन्फ़िगरेशन। देख दो तो बेरिलियम में आ जाएगा हीलियम 2S2, हीलियम का 2 हो गया, और ये 4 तो 4 एटॉमिक नंबर, 12 में नियॉन 10 तक, और 3S2 कैल्शियम 20 तो 18 तक आर्गन और 4S2, स्ट्रॉन्शियम 36 क्रिप्टॉन तक 5S2, बेरियम 56, जिनॉन 54 और 6S2, रेडियम 88, रेडॉन 867S2। तो इस तरह से ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसे याद करने का एक ट्रिक है जो आप सब जानते भी होंगे। फिर आ जाते हैं नेचर। तो नेचर में आप देखोगे सिल्वरी व्हाइट मेटल्स, ये भी चांदी के समान चमकदार, जैसे कि एल्कली मेटल्स होती हैं, सॉफ्ट इन नेचर, ये भी सॉफ्ट नेचर के, बट इनको चाकू से नहीं काटा जा सकता, और ये बट हार्डर देन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, लेकिन एल्कली मेटल से कहीं ज्यादा हार्ड है। रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि इनके वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इनकी जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्षारीय धातु एल्कली मेटल की मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो यही लिखा हुआ है कि सिल्वरी व्हाइट मेटल सॉफ्ट इन नेचर but harder than first A group elements because metallic bonding is stronger than first A group. समझ गए ना, first A जो elements हैं, first A elements means alkali metal due to possession of 2 valence electron. However, hardness, ठीक है, decreases. Hardness arrow नीचे की तरफ decreases with increase atomic number. समझ गए ना कि, और ऊपर से नीचे चलेंगे तो इनकी हार्डनेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा जो हार्ड है वो कौन हुआ बच्चों, बेरिलियम, ओके, और सबसे सॉफ्ट। तो अगर आपसे हार्डनेस का ऑर्डर पूछ ले तो हार्डनेस में अगर आप देखें
ठीक है। तो हार्डनेस में क्या लिखेंगे, बेरिलियम, फिर आ जाएगा क्या, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। तो ये है इनकी हार्डनेस का। अब आ जाता है मेटालिक नेचर। ओके, तो मेटालिक नेचर में भी अगर आप देखें तो यही मिलेगा Mg। एक जनरल जो है एक सॉलिड स्टेट में अगर हम देखें तो ये इनका मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर उल्टा आएगा। ओके, तो मेटालिक नेचर ऐसा होता है। तो एक तो ये ऑर्डर याद रखना है, क्यों, क्योंकि जो मेटालिक नेचर है, समझ गए ना, डायरेक्ट ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। समझ गए बच्चों कि जो धात्विक गुण है, धात्विक गुण वो किसके समानुपाती है, धन विद्युतीय गुण। तो ये इस तरह से ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर रेडियम या उससे कम है तो बेरियम, और सबसे कम बेरिलियम। और यही रीजन है कि बेरिलियम एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कोई रिएक्शन नहीं करता। और अगर आपसे कंपेयर कराया जाए कि फर्स्ट ए से ज्यादा, फर्स्ट ए और सेकेंड ए में कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स मोर पॉजिटिव है। तो ये इनके मेटालिक नेचर का ऑर्डर याद रखना है। ओके, कि ये मेटालिक नेचर का है। सॉफ्टनेस में अगर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो सॉफ्टनेस में जो है फर्स्ट ए और सेकेंड ए में, ये देखिएगा आपको कि इनकी सॉफ्टनेस फर्स्ट ए ग्रुप की ज्यादा है, सेकेंड ए ग्रुप की कम है। अभी मैंने आपको बताया कि दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड करते हैं जबकि इनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इनकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हाई है, इनकी कम है। मेटालिक नेचर की बात करें तो इनमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, इनमें ज्यादा है, इसलिए इनमें जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होते जबकि ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसे नोट। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। अब है एटॉमिक रेडियाई, मेटालिक रेडियाई के फॉर्म में ली गई है, और आयनिक रेडियाई। तो ये तो हम सभी ग्रुप्स में पढ़ेंगे कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो मेटालिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज होती है, और यही इनमें हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बढ़ रहा है। तो इस तरह से एटॉमिक रेडियाई बेरियम से लेके बेरियम तक इंक्रीज हो रही है, ऐसे ही आयनिक रेडियाई 2 प्लस आयन की ली है पिकोमीटर में, तो ये ऑर्डर। तो आपसे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ ले तो आपको ये ध्यान रखना है ग्रुप में ये इंक्रीज होती है। फिर आ जाते हैं वॉल्यूम एंड डेंसिटी के बारे में। पहले मैंने डेंसिटी लिखी है, तो देखो लगभग वही ऑर्डर दिखता है डेंसिटी का जो आपने फर्स्ट ए ग्रुप में देखा था। यहाँ पर मैग्नीशियम की डेंसिटी कैल्शियम की डेंसिटी से ज्यादा है। तो ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग, ये कई फैक्टर, डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर बेरिलियम की 1.84, 1.75, 1.55, तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम की जो डेंसिटी और कैल्शियम से ज्यादा, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आई है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में तो लगातार ही ये ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मतलब डी और या हम ये कहें ऑर्बिटल्स इन आउटर मोस्ट शेल, इन सब के कारण ऐसा होता है बच्चों। तो आपको एक तो ऑर्डर याद रख लेना है, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन में नहीं जाना। अगर हम इन डेंसिटी के ऑर्डर को देखें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी है बेरियम की, फिर किसकी आई है, स्ट्रॉन्शियम की, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि फिर इसके बाद डेंसिटी का अगर ऑर्डर देखें तो 1.84, 1.7 ये है, तो फिर बेरिलियम आ गया, फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो ये है बेरिलियम की डेंसिटी का ऑर्डर। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में रेगुलरली आप देख रहे हैं डिग्री ये इंक्रीज हो रहा है, मीन सबसे ज्यादा है बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वॉल्यूम का ऑर्डर। अब यहां दिखता है कि जब वॉल्यूम सबसे बड़ा बेरियम का है तो डेंसिटी सबसे कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आता, बट मास बहुत ज्यादा चेंज होता है, और यही रीजन है कि डेंसिटी इंक्रीज होती है। अब अगर कंपेयर करने आपसे कह दिया जाए कि सेकेंड ग्रुप की डेंसिटी और फर्स्ट ग्रुप की डेंसिटी में किसकी ज्यादा दिख रही है, तो सीधा है कि डेंसिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप ए ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। समझ गए बच्चों,
कि जो द्वितीय वर्ग के तत्व हैं मींस एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी जो डेंसिटी घनत्व है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के घनत्व से ज्यादा है। रीजन है कि इनमें 2+ चार्ज है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और ऐसे में क्रिस्टल के अंदर क्लोज पैकिंग अच्छी हो जाती है। इट इज ड्यू टू द सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स मोर टाइटली पैक्ड इन क्रिस्टल। समझ गए ना कि फर्स्ट ग्रुप के रिस्पेक्ट में सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स के कर्नेल्स हैं, कैटाइंस हैं, वो मेटालिक क्रिस्टल में अच्छी तरह से क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज एंड मोर पॉजिटिव चार्ज देन फर्स्ट ग्रुप। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से कहीं ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज भी है और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों रीजन मिलके ही इनकी डेंसिटी और वॉल्यूम में ये डिफरेंस लाते हैं। तो डेंसिटी का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो डेंसिटी ये, वॉल्यूम उल्टा होगा, वॉल्यूम इनका कम फर्स्ट ग्रुप का ज्यादा, बट डेंसिटी ये है। समझ गए बच्चों कि डेंसिटी इसकी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इन तत्वों में जो धनायन है वो अच्छी तरह से क्रिस्टल में पैक्ड होते हैं और एस और इसका रीजन है अत्यधिक नाभिकीय आवेश और दो पॉजिटिव चार्ज। ओके, फिर आ जाते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये लिखा हुआ है, मैग्नीशियम सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट शो करता है अपने ग्रुप में, बेरिलियम सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, छोटा साइज ज्यादा अच्छी क्लोज पैकिंग, बाकी फिर लगातार नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि डेंसिटी कैल्शियम से बेरियम तक घटती गई, क्योंकि मेटालिक साइज एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक पड़ जाती है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें। तो ये आपको ऑर्डर रखना है इनकी किसका, तो मेल्ट अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ये है। ओके, और ये इसके बाद ये ऑर्डर को जरा से लिख दिया 2 मिनट। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इनको कंपेयर करें बच्चों, सबसे ज्यादा ये है, फिर किसका आया है कैल्शियम, फिर कौन है स्ट्रॉन्शियम, फिर कौन है बेरियम, और सबसे कम अगर आप देखें तो किसका है, मैग्नीशियम का। ओके, अच्छा मैंने ये ऑर्डर देखा था, कोई बात नहीं, बेरियम सबसे ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम सबसे कम है, और बेरियम इससे ज्यादा है किसका, बेरियम का। ओके, बेरियम से ज्यादा किसका दिख रहा है बच्चों इन दोनों में, स्ट्रॉन्शियम का और फिर किसका, कैल्शियम का। तो इससे ज्यादा है इन तीनों का और इन सबसे ज्यादा है बेरियम का, एक ऐसा भी ऑर्डर आपको दे दिया जाता है। तो कंफ्यूज ना हो, आप इसी को देख के लिख रहे हैं, बेरियम का इन चारों से ज्यादा है, मैग्नीशियम का बेरियम से भी कम है और इनसे भी कम है, इनके चारों ऑर्डर देखो आप, सबसे ज्यादा किसका है, कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम का आया बेरियम, और एक ओवरऑल ऑर्डर यहाँ देखें तो सबसे ज्यादा आपको किसका दिख रहा है, बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, और सबसे कम किसका आ गया है, मैग्नीशियम। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लगभग यही ऑर्डर दिखता है, सबसे ज्यादा बेरियम का दिख रहा है, फिर बेरियम का आ गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास वजन इन सब पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ये ऑर्डर याद रखने हैं, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स देन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इनसे ज्यादा है, रीजन है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है, इनको निकाल। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आप देखोगे कि जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एल्कली मेटल की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। समझ गए ना, ऐसा क्यों है, क्योंकि एक तो एल्कली अर्थ मेटल जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी एटॉमिक साइज छोटी और हायर न्यूक्लियर चार्ज। फिर से सुने कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है, रीजन है छोटा एटॉमिक साइज होना और हाई न्यूक्लियर चार्ज। जबकि हम सेकंड को कंपेयर करें तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में आप देखोगे कि एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एल्कली मेटल्स की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से बहुत ही कम है। रीजन क्या है कि जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनमें जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो मोनो पॉजिटिव आयन अनस्टेबल होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल के डाई पॉजिटिव आयन बनाता है जिसमें इनर्ट कॉन्फिगरेशन होता है, तो ये एलिमेंट अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में ही निकाल देते हैं, और यही रीजन है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो एल्कली मेटल्स हैं उनसे बहुत कम है। जबकि आप एल्केलाइन अर्थ मेटल एल्कली मेटल्स में चले जाएंगे
तो एल्कली मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मोनो पॉजिटिव आयन ही इनर्ट हो जाता है, फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, और यही रीजन है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इनकी एल्कली मेटल्स की बहुत ज्यादा है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आई वन ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स मीन्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन दोज ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स की वो किससे ज्यादा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। दिस इज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होना, तो जब स्मॉल साइज होगा तो हाई न्यूक्लियर चार्ज कंपेयर टू दी करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स के कंपेयर में इनकी जो एटॉमिक साइज है काफी छोटी है, आप उनकी एटॉमिक रेडियस को कंपेयर कर सकते हैं। एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है, समझ गए बच्चों, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ फिगर सेकेंड ए ग्रुप लेस देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करना है, मींस लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इस तरह से। बिकॉज एम प्लस आयन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो एम प्लस आयन है ये क्या होता है, इज अनस्टेबल एंड अचीव स्टेबल इनर्ट कॉन्फिगरेशन व इन एम टू प्लस आयन। जबकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाए तो ये क्या होगा, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, और यही रीजन है कि 1 प्लस से 2 प्लस बनना इजी होता है और ये बहुत आसानी से M प्लस से M2 प्लस आयन बना लेते हैं। बट इन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स में आप देखोगे अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इन M1 प्लस आयन स्टेट। समझ गए बच्चों कि सेकेंड ग्रुप समूह के तत्वों का प्रथम आयनन विभव आईई या आयनन ऊर्जाएं, बल्कि हम क्या लिखेंगे, आयनन ऊर्जाएं फर्स्ट ई आईई वन क्षारी धातुओं के फर्स्ट ए ग्रुप के आईई वन से अधिक होती है, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप समूह के तत्वों का परमाणु आकार, ठीक है, सॉरी सेकेंड ए ग्रुप, क्योंकि सेकेंड ए ग्रुप समूह के तत्वों का जो परमाणु आकार है वो फर्स्ट ए के तत्वों के परमाणु आकार से छोटा होता है। ये बात समझ गए ना। जबकि द्वितीय आयन ऊर्जाओं को अगर हम कंपेयर करें का मान, ठीक है, जबकि द्वितीय आयन ऊर्जा किसकी, सेकेंड ए की, ठीक है, द्वितीय आयन ऊर्जा का मान फर्स्ट ए की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से कम होता है तुलनात्मक रूप से, क्योंकि क्षारीय धातुओं में का M प्लस आयन स्थाई होता है जबकि M2 प्लस आयन स्थाई निष्क्रिय विन्यास पाया जाता है, और फर्स्ट ए ग्रुप में तो आपको मैंने बताया कि M प्लस आयन स्थाई होता है। देखो इसको हम इस तरह से देखें कि बेरिलियम हीलियम 2s2 एक इलेक्ट्रॉन निकला, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 899 किलो जूल। बेरिलियम 1 प्लस बना, ये अनस्टेबल है, कैसा है, अनस्टेबल, क्योंकि ना तो इनर्ट कॉन्फिगरेशन है ना ऐसा है, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल देता है, कितनी एनर्जी लगती है 1757 किलो जूल पर मोल, तब ये एम ये बन गया Be2+, तो ये कैसा कॉन्फिगरेशन हो गया, हीलियम जैसा, हीलियम जैसा हो गया तो ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गया, ठीक है, अब ये स्टेबल है तो ये फर्स्ट के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन बहुत इजी निकाल देता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लगभग डबल है, समझ लेना, और यही इजीली रिमूव करती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पर इनकी फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग डबल है, और यही रीजन होता है कि ये जो है बहुत इजी गोइंग अपने इलेक्ट्रॉनों को सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब M2+ आयन बनने तक निकालते जाते हैं। अब हम यहाँ लिथियम को कंपेयर करें, हीलियम 2s1 कॉन्फ़िगरेशन है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसमें फर्स्ट IE1 देखो आप 899 है जबकि इसका IE1 कितना है 520 किलो जूल, तो इससे तो ये कम है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आप देख रहे हैं एल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा है और एल्कली मेटल्स की कम है। लिथियम प्लस आयन बन गया, यहां पर आपने देखा बेरिलियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगी 1757, जबकि यहां पर अगर लिथियम 1 प्लस से हम देखें इसका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी तो ये 7298 जो इससे लगभग 4 गुनी ज्यादा है, तब जाके लिथियम 2 प्लस आयन बनेगा जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक स्टेट में आएगा, हीलियम प्लस आयन बन गया, और यही रीजन है कि ये अपना सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। आप देख रहे हैं कि I2 IE1 का जो डिफरेंस है
ज्यादा है और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन है, मींस रिमूव भी नहीं होता। तो आप यहां समझ गए होंगे। अब हम पूरे ग्रुप की बात करें कि बेरिलियम में अगर हम ऊपर से नीचे चलें तो हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे साइज बढ़ती जा रही है डिक्रीज होती जा रही है, और इस तरह से सबसे ज्यादा बेरिलियम पर मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम ये सभी ग्रुप में मिलता है कि ऊपर से नीचे चलें तो आयनाइजेशन एनर्जी लगातार डिक्रीज होती है जो इनमें भी मिलती है। तो आप यहां समझ गए होंगे कि कौन ज्यादा एनर्जी रखता है और कौन कम, फर्स्ट कौन ज्यादा है सेकंड में कौन ज्यादा है, तो इनको आप कंपेयर करना सीखें, इनको समझें। वैसे भी पी ब्लॉक जो मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई है उसमें भी खूब अच्छे से इसको बारे में इसके बारे में मैंने समझाया है। तो यहां तक अब देखो बच्चों नेक्स्ट है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है बच्चों, प्लस टू। समझ गए ना, इन तत्वों की जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस टू, ना तो प्लस वन मिलती है कहीं और ना ही प्लस थ्री, स्टेबल है प्लस टू। ठीक है, इसके रीजंस देखो, पहला रीजन ये है कि इनका जो आईई टू है इज नियरली द डबल ऑफ आईई वन। समझ गए बच्चों की जो इनका IE2 का मान है वो IE1 से लगभग दो गुना है, और ये डिफरेंस इतना नहीं है कि ये एनर्जी अवेलेबल ना हो सके। तो ये अपनी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो थोड़ा सी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है, तो इसलिए ये बहुत आसानी से दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। दूसरा है कि एलिमेंट अचीव्स इनर्ट कॉन्फिगरेशन इन M2+ आयनिक स्टेट। दूसरा रीजन ये है कि ये अपनी 2 प्लस स्टेट में ही एक इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं, और यही रीजन है कि ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन या मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं। जैसे बेरिलियम हीलियम 2s2 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, 2s1 अनस्टेबल स्टेट आ गई, ये क्या है बच्चों यहां पर इसकी अनस्टेबल स्टेट है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं इसका लगभग डबल है, पर ये बन गया बेरिलियम 2 प्लस जो कि एक स्टेबल है, और यहां पर जो है आप देख रहे हैं इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन मींस ये आ गया NS2, ये हीलियम का मिल गया 1s2, अगर आप Mg2+ में चले जाए तो नियॉन जैसा आ जाएगा इस तरह से। तो दो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये प्लस 2 स्टेट मिलती है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कि लैटेंट एनर्जी ऑफ M2 प्लस आयन इज मच मोर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। जब ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें जो लैटेंट एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी रिलीज होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सफिशियंट है, मतलब उससे ज्यादा है। और यही कारण है कि ये सॉलिड स्टेट में भी अगर कंपाउंड बनाते हैं, सॉलिड स्टेट में रिएक्शंस देते हैं तो भी बहुत इजी गोइंग इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। समझ गए बच्चों कि M2 प्लस आयन की ज्वाला ऊर्जा M के NH2 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऊर्जा से बहुत अधिक है, और यही रीजन है कि अगर ये सॉलिड स्टेट में भी कंपाउंड बना रहे हैं, सॉलिड स्टेट रिएक्शंस चल रही हैं तो भी ये प्लस 2 स्टेट शो करेंगे। नेक्स्ट है कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ M2+ आल्सो वेरी हाई। हाइड्रेशन एनर्जी भी इतनी ज्यादा है कि अगर ये सॉल्यूशन स्टेट में भी कंपाउंड बना है तो वहां पर भी इतनी सफिशियंट एनर्जी मिलेगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं। तो ये 4 रीजंस हैं जिनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इन एलिमेंट्स की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस 2। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है बच्चों, प्लस 2। समझ गए ना, तो इस तरह से ये सारे रीजंस मिलके ये बताते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, चाहे सॉलिड स्टेट में हो, ठीक है, और चाहे एक्वस मीडियम में हो, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करते हैं, प्लस 2। चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड देख लो, कैल्शियम क्लोराइड देख लो, कैल्शियम सल्फेट देख लो, चाहे बेरिलियम के कंपाउंड्स, इस ग्रुप का कोई भी मेंबर्स देख लो, इनके जितने भी कंपाउंड्स मिलेंगे उन सब में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 मिलेगा। कंपाउंड में भी प्लस 2 होता है, एक्वस मीडियम में भी प्लस 2 होता है, गैसियस स्टेट में भी प्लस 2, सॉलिड स्टेट में भी प्लस 2। मींस ये कहें कि प्लस 2 स्टेबल, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, एक्वस मीडियम, गैसियस स्टेट, इन कंपाउंड्स सब में ये स्टेबल स्टेट। तो समझ गए होगे बच्चों कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ये अब देखो बच्चों नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा। तो ध्यान रखें कि जो ये आइस है M2+ आइस आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड टू फॉर्म हाइड्रेटेड आइस।
समझ गए बच्चों कि बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं और कैसा आयन बनाते हैं, इस तरह से ये है प्लस टू, यहाँ जनरली एक्स की वैल्यू 6 तक होती है। तो ये जो आयन्स हैं बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं, रीजन क्या है कि एक तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना और स्मॉल साइज होना, ठीक है, आप यहाँ पर इसका रीजन दे सकते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन एंड लार्ज पॉजिटिव चार्ज। समझ गए बच्चों कि ये जो आइंस है प्लस टू आइंस, ये ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं और क्या बनाते हैं, MH2O X2+। रीजन है इनका छोटा आकार स्मॉल साइज एंड लार्ज पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से M2+ को एक्वस मीडियम में रखा है, ये हाइड्रेटेड आयन बनेंगे और इसमें एनर्जी निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। M2+ ions of second A group are much more hydrated than M+1 of first element. ये जो first second group के जो cations हैं, means 2+ ions, जो alkaline earth metals के जो cations हैं, ये alkali metals के 1+ ions से बहुत ज़्यादा hydrated होते हैं। आप compare कर सकते हैं lithium 1+ की hydration energy और beryllium 2+ की hydration energy। और यही reason है कि most of the compounds of second A group elements आप देखोगे आर हाइड्रेटेड। समझ गए ना, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स आर हाइड्रेटेड। अब ज्यादातर उनमें वाटर जुड़ा दिखेगा, जैसे MgCl2 × 6H2O, CaCl2 × 6H2O, BeCl2 × 6SH2, और इसी रीजन के कारण ही ये हाइग्रोस्कोपिक है और डीन्यूक्लिएशन है। समझ गए बच्चों कि ये अपने इसी नेचर के कारण, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होने के कारण ही ये हाइड्रेटेड स्टेट में मिलते हैं। अब मैं इनकी हाइड्रेशन एनर्जी लिखी है, बेरिलियम की सबसे ज्यादा है, फिर कम होती गई है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ रही है हाइड्रेशन जो है वो देख रहे हैं आप बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका हो रहा है, बेरिलियम की, सबसे कम इसका, इसलिए एनर्जी भी सबसे ज्यादा रिलीज होती है। अब आता है कि इफेक्टिव साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, कई बार ये ऑब्जेक्ट होता है कि कौन आयन इफेक्टिव साइज में सबसे बड़ा होगा, तो जिसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, उसके चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा H2O मॉलिक्यूल्स होंगे और वो मोर हाइड्रेटेड स्टेट में रहेगा, और जितना बड़ा आयन होगा उसका हाइड्रेशन उतना कम हो जाएगा। और यही रीजन है कि जो हाइड्रेटेड आयन की जो इफेक्टिव साइज है वो बेरिलियम 2+ में सबसे कम और बेरियम 2+ में सबसे ज्यादा। हाइड्रेटेड आयन की इफेक्टिव साइज का मतलब है इसके चार तरफ H2O इस तरह से जुड़ जाते हैं। अब जब H2O जुड़े होंगे तो इस तरह से ये कहलाएगी इसकी क्या, इफेक्टिव साइज। अब आता है कि कंडक्टेंस, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयनिक कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान रखें कि कंडक्टेंस इफेक्टिव साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी छोटी साइज उतनी ज्यादा आयनिक कंडक्टेंस। समझ गए बच्चों कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कंडक्टेंस ऑफ आयंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव साइज ऑफ, ठीक है, कैटायन या हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन, जितना बड़ा हाइड्रेटेड आयन उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, सॉरी, जितना बड़ा हाइड्रेटेड आयन उतनी ही कम कंडक्टेंस। तो ऑर्डर अगर आपको कंडक्टेंस का पूछता है तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और कई बार रेडियस का ऑर्डर पूछ लेता है, तो हाइड्रेटेड आयन की रेडियस सबसे ज्यादा होगी, उससे कम मेटालिक और उससे कम आयनिक, और ठीक है स्पेशल कैटायन किसी एक या इंडिविजुअल कैटायन की, किसी एक कैटायन की अगर आपको ऑर्डर पूछ ले तो इस तरह का ऑर्डर मिलेगा, सबसे बड़ी साइज हाइड्रेटेड आयन की, उससे कम मेटालिक और उससे कम आयनिक रेडियस। तो यहां तक आप समझ गए होंगे इसे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है फ्लेम कलरेशन, ज्वाला परीक्षण या ज्वाला का रंग, है ना। तो इसके बारे में डिटेल में कि ये होता क्या है और क्यों होता है, ये मैंने आपको एल्कली मेटल्स में बताया है। यहां पर मैं बता दूं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में इस तरह का फ्लेम कलरेशन नहीं आता, रीजन है ड्यू टू लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इतनी सफिशियंट है कि इतनी एनर्जी में बेरिलियम और मैग्नीशियम किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो नहीं करते, और यही रीजन है कि ये रंग परिवर्तन नहीं दर्शाते। समझ के बच्चों कि बेरिलियम और मैग्नीशियम किसी प्रकार का ज्वाला परीक्षण नहीं लेते, कारण है उच्च द्वितीय आयनन ऊर्जा। बाकी ये चार एलिमेंट्स जो बचे, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, इसका है ब्रिक्स रेड कलर, क्राइसम रेड, ठीक है, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन और क्रिम्सन रेड कलर,
रेडियम तो आपने देखा होगा लाल रंग का चमकता हुआ। तो आतिशबाजी में जो कलर निकाले जाते हैं उसका यही है, अगर हरे रंग का कलर आ रहा है आतिशबाजी में तो वो उसमें बेरियम के कंपाउंड्स होते हैं, अगर क्रिम्सन रेड कलर आता है तो स्ट्रॉन्शियम का ईट जैसा लाल दिख रहा है तो कैल्शियम, गोल्डन येलो कलर आता है तो सोडियम, वायलेट कलर आ रहा है तो पोटेशियम या रुबिडियम, इनके सॉल्ट्स यूज होते हैं। समझ गए बच्चों? तो ये है फ्लेम कलरेशन। आप जानते हैं कि इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ऑफ बोन्स एंड फ्लेम। समझ गए ना कि इसका रीजन वही होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। फिर नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर। कौन सा गुण है बच्चों? ये अपचायक गुण। तो देखो दो कंडीशन में आपसे रिड्यूसिंग नेचर पूछा जाता है, इन गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था में, कि किसी का गैसीय अवस्था में अगर अपचायक गुण पूछा गया तो वहां ध्यान रखना है कि अपचायक गुण इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा के उल्टा होता है। आयनन ऊर्जा कम तो इलेक्ट्रॉन इजी निकलेगा तो रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इसका मतलब बेरियम सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और बेरियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये ऑर्डर होगा इस ग्रुप में एल्केलाइन अर्थ मेटल में गैसियस स्टेट में रिड्यूसिंग नेचर। अब आते हैं कि आपको एक्वस मीडियम जली मीडियम में पूछा गया है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो अपचायक गुण है रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस आई वैल्यू ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। जो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही अच्छा रिड्यूसर होता है, कहां पर? सॉल्यूशन स्टेट में। अगर आप उनकी वैल्यूज देखें तो बेरिलियम में यह है -1.85 वोल्ट में, मैग्नीशियम का है -2.37, इससे ज्यादा कैल्शियम -2.87, स्ट्रॉन्शियम -2.89, बेरियम में। तो यहां पर भी रिड्यूसिंग नेचर बेरिलियम से बेरियम तक लगातार बढ़ता जाता है। तो दोनों कंडीशन में अगर एल्केलाइन अर्थ मेटल का रिड्यूसिंग नेचर पूछा जाए तो ये ऑर्डर याद रखोगे। फिर आता है कलर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ कंपाउंड। अब आते हैं कि जो एल्केली अर्थ मेटल्स होते हैं, सॉरी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं, उनके अगर कंपाउंड्स देखे जाए तो उनमें क्या कलर होगा, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो ध्यान से देखें कि M2+ ion, अभी आपने देखा, या M अकेला M भी देख लो, इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। समझ गए बच्चों कि M2+ ion में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे में इनका जो कंपाउंड बनेगा वो कलरलेस होगा और डायमैग्नेटिक होगा। ये ध्यान रखना है कि जितने भी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो भी कलरलेस होते हैं और डाया मैग्नेटिक। जस्ट बिल्कुल इससे पहले वाले ग्रुप में एल्कली मेटल्स में भी यही देखा था कि उनमें जो M+1 ion बना था वो भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, तो M+1 का भी कंपाउंड कलरलेस और डाया मैग्नेटिक था, इनमें भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो थी बच्चों एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।